5.3 बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो आप है ना x माइनस वाई स्क्वायर है ना स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है यानी कि ये जीरो से बड़ा होगा और बाई चांस अगर x और y इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो हमें यहाँ पे इक्वल टू साइन भी देना है अभी इसको एक्सपांड करो आप तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे इसको इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स वाई है ना अभी दोनों साइड टू से डिवाइड करो आप इधर भी इधर भी तो ये और ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई है ना अभी ये कम करते लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए और फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी है ना तो एक्स स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं ना और वाई स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं बी ग्रेटर देन इक्वल टू अभी एक्स के जगह में हम लोग क्या लिख सकते ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा रूट आएगा सिमिलरली ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा रूट आएगा है ना तो एक्स के जगह में हम लोग लिख सकते हैं रूट ए और वाई की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट बी लिख सकते है ना और दोनों को एक साथ हम लोग कैसे लिख सकते रूट ए बी है ना अंडर रूट ए बी अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये क्या है एरिथमेटिक मीनिंग है ना अगर यहाँ पे कितना सारा टर्म्स है दो टर्म्स दो टर्म्स को ऐड करके आप टू से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या है एरिथमेटिक मीनिंग है ना और यहाँ पे अंडर रूट है ना दो टर्म्स से ये क्या है ज्योमेट्रिक मीनिंग ठीक है तो हमें क्या मिला एम एरिथमेटिक मीन है ना एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है है ना तो इसी कॉन्सेप्ट को समझना था हमें है ना ये तो दो टर्म के लिए तीन टर्म के लिए कैसे लिखोगे आप ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना सारा टर्म्स है यहाँ पे थ्री तो थ्री से डिवाइड करोगे आप है ना ग्रेटर देन इक्वल टू रूट है ना? ए बी सी ठीक है और यहाँ पे कितना सारा टर्म्स है थ्री तो यहाँ पे थ्री आएगा है ना आपको पता है कि नहीं यहाँ पे यहाँ पे टू है है ना? यहाँ पे टू है हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं है ना रूट में हमेशा टू छुपा हुआ होता है यहाँ पे टू होता है हम लोग जनरली नहीं लिखते लेकिन ये होता है यहाँ पे है ना तो ये तो तीन टर्म्स के लिए था ये दो टर्म्स के लिए तो एन नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए कैसे लिखोगे आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 मानो कहाँ तक एन तक तो कितना सारा टर्म्स है यहाँ पे एन तो एन से डिवाइड करोगे आप ग्रेटर दिन इक्वल टू रूट फिर एक्स वन एक्स टू है ना डॉट 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 एक्स एन और यहाँ पे कितना सारा टर्म्स है एन तो यहाँ पे एन लिखोगे आप ठीक है तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना था मुझे तो ये नहीं चाहिए मैं जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको ठीक है तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं है ना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सिंस एरुथवेदिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जोमेट्रिक मीन है ना? तो डेफोर ये दो नाम को लेते हैं है ना ए बी प्लस सी डी है न ये दोनों टर्म लेते हैं ये एक टर्म ये दूसरा टर्म ठीक है तो इसका एरित मेन क्या होगा इन दोनों को ऐड करके हमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू है ना फिर रूट फिर ये वाला टर्म ए बी है ना फिर ये वाला टर्म सी डी है ना हमें यहाँ से मिला कि नहीं है ना दो टर्म के लिए एरित कैसे लेते हैं हम लोग ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फिर ए बी है ना सिमिलरली हमने ये ये एक टर्म को पकड़ा है और ये दूसरा टर्म ठीक है तो इन दोनों को ऐड करके हमें टू से डिवाइड करना है फिर रूट फिर ये दोनों टर्म है ना आप एक काम करो है ना इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो है ना? तो इसके लिए तो हो गया अभी इसके लिए लिखते हैं ना सिमिलरली सिमिलरली ए सी प्लस बी डी है ना? ना? ग्रेटर देन इक्वल टू टू फिर रूट फिर इसको लिखना पड़ेगा ए सी और फिर बी डी है नू यहाँ पे होगा ठीक है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पे जाएगा तो इसको आप वन मानो और इसको आप टू मानो तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट है ना अभी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो आप और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा हमें ए बी प्लस सी डी है ना और फिर ए सी प्लस बी डी फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 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 चा फोर है ना और ये क्या है रूट ए बी सी डी है ना और यहाँ पे भी क्या है रूट ए बी सी डी ओके तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा ए बी प्लस सी डी फिर होगा A, plus B, equal to 4. ये होगा ए सी प्लस बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ये ए बी सी डी रूट ए बी सी डी और ये भी रूट ए बी सी डी तो रूट ए बी सी डी स्क्वायर होगा कि नहीं है ना ऐसा होगा तो रूड और स्क्वायर कैंसिल हो गया आपको सिर्फ क्या मिलेगा ए बी सी डी मिलेगा ठीक है ए बी सी डी यही प्रूफ करना था हमें है ना तो प्रूफ अब यहाँ पे कन्फ्यूज तो नहीं हो गए ना आप सोच रहे हो गए यहाँ पे तो ए प्लस बी है है ना यहाँ पे ए बी और सी डी लिया है ना यहाँ पे हम लोग ने इसी को फर्स्ट टर्म माना है ठीक है इसको फर्स्ट टर्म माना है और इसको दूसरा टर्म माना है ठीक है तो एरिटिक मीन कैसे निकलते है? दोनों टर्म्स को ऐड करके है ना फिर टू से डिवाइड कर दो तो हमें एरिथमेथिक मीन मिलेगा ठीक है और राइट साइड में जोमेट्रिक मीन क्या कैसे मिलेगा हमें अगर दो टर्म है तो रूट फिर अब फर्स्ट टर्म को लिखो फिर इनटू और फिर सेकंड टर्म को ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे ये यह फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है ठीक है फिर हम लोग हमने क्या किया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है, है ना तो इसका एरथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे हम लोग को ये दोनों टर्म को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे ठीक है? तो है और फिर ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया ना ठीक है और जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलते रूट लिख के फिर फर्स्ट टर्म को लिखो आप इन फिर सेकंड टर्म को ठीक है तो यहां पे हम लोग ने इसको फर्स्ट टर्म बनाया और फिर इसको सेकेंड टर्म माना है ओके वन का भी देखो ये भी इजी है है ना सिंस एरिथमेथिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जेमेट्रिक मीन डेर फोर है ना पहले इसको लेते ए प्लस बी बाई टू है ना दोनों टर्म को ऐड करके है ना टू से डिवाइड कर दो तो एथमेटिक मीन मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जेमेट्रिक मीन कैसे मिलेगा रूट ले लो फिर ये दो टर्म को ले लो आप ए फिर बी है ना एक काम करो आप ये टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर लिख दो तो आप ठीक है और इसको वन मानो आप सिमिलरली अभी इसको ले लो आप बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू है ना टू फिर रूट बी सी है ना ये नीचे का टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली इसको टू मानो आप है ना एंड अभी इसको ले लो आप सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू फिर सी और ए है ना ये नीचे का टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया थ्री नाउ एडिंग इनइक्वालिटीज वन टू एंड थ्री वी गेट अभी हमें क्या करना है ये जो से है ना इसका लेफ्ट हैंड साइड से इसका इसका है ये तीनों का जो एल एच एस है इसको ऐड करना है ऐड नहीं करना है सॉरी है ना मल्टीप्लाई करना था हमें तो है ना ऐड नहीं करना है तो ऐसा लिख दो आप डायरेक्टली नाउ फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट है ना मैं तो प्लस करने जा रहा था ये तो मल्टीप्लाई में है ना तो तीनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ये टू टू जै फोर फोर टू जै एट है ना और फिर ये रूट ए बी फिर रूट बी सी और फिर रूट सी ए है ना तो इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा हमें एट है ना फिर रूट के अंदर ये ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर है ना फिर बी इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर और फिर सी इंटू सी सी स्क्वायर तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग ये सबके ऊपर स्क्वायर है तो ये तो क्या रूट से बाहर आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा ए बी सी है ना डे फोर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू एट ए बी सी प्रूफ सब क्वेश्चन आसान है ना अभी वन का सी देखो है ना इसको अगर आप ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है ना इससे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा है ना मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं आ रहा था है ना मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि कैसे सॉल्व करना है इससे ठीक है तो इसीलिए मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूँगा इस बार है ना तो पहले इसको लिखूँगा मैं क्योंकि ये बड़ा है है ना तो ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर माइनस फिर इसको लिखूँगा है ना ए बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए टू दी पावर फोर प्लस बी टू दावर फोर माइनस या ए इंटू ए स्क्वायर क्या आएगा ए क्यूब बी फिर माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस है ना ए बी क्यूब अभी नेक्स्ट में क्या करो आप यहाँ से आप ए टू द पावर थ्री को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा प्लस यहाँ से आप बी टू द पावर थ्री ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा बी बचेगा माइनस फिर यहाँ पे ए बचेगा फिर नेक्स्ट में क्या करो आप यहाँ से अब आप माइनस कॉमन ले लो माइनस कॉमन लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या है बी क्यूब है है ना अब ए माइनस बी कॉमन ले लो आप तो ए माइनस बी कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा ए क्यूब बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बी क्यूब बचेगा है ना अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना इसको एक्सपांड करेंगे है ना तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है ए माइनस बी ठीक है फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे ये थ्री से छोटा क्या है टू है है ना प्लस ठीक है फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला है ओके तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर है ना और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अभी क्वेश्चन पे तो ऑलरेडी बोला है कि ए बी क्या है पॉजिटिव नंबर है तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा है ना और स्क्वायर नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होता है है ना यानी कि ज़ीरो से बड़ा होता है है ना लेकिन बाई चांस अगर ए और बी क्या हो गया इक्वल हो गया तो ये जीरो के बराबर आ सकता है कि नहीं ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ये या तो जीरो से बड़ा होगा और बाई चांस अगर ए और बी और इक्वल हो गया तो क्या होगा जीरो के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इसको एक्सपांड करने पे हमें ये मिला है तो इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं देव माइनस फिर इसको लिखो आप ग्रेटर देन जीरो है ना देव अभी इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना आप अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ना तो कर लेना ठीक है मुझे तो आइडिया नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे जल्दी अपलोड भी करना है ठीक है तो अभी दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं अभी वन का डी देखो ये भी इजी है ना सिंस एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जोमेट्रिक मीन डेयर अब ये दोनों टर्म को ले लो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना दो टर्म लिया तो दो से डिवाइड करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन के साथ रूट फिर ये दोनों टर्म है ना ए क्यूब और फिर बीक्यूब आप एक काम करो ये टू को यहाँ पे लिख दो आप है ना यहाँ पे लिख दो सिमिलरली अब इसको लिखो आप है ना ए टू दावर फाइव प्लस बी टू दि पावर फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू टू फिर रूट फिर ये दो को लिखो आप ए टू द पावर फाइव इन बी टू दावर फाइव है ना नाउ, इसको आप वन मानो है ना और इसको टू मानो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप नाउ, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट लेफ्ट हैंड साइड का आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो और राइट एंड साइड का राइट हैंड साइड से तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना फिर ए टू द पावर फाइव प्लस बी टू पावर फाइव ग्रेटर दैन इक्वल टू 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 जैक कितना होगा फोर हो जाएगा है ना फिर रूट ए क्यूब बी क्यूब फिर रूट ए टू पावर फाइव बी टू द पावर फाइव है ना अब ये किसके बराबर होगा फोर आएगा है ना फिर ए टू द पावर थ्री और फिर इंटू ए टू द पावर फाइव है ना तो ऐसा कुछ होगा ना है ना रूट के अंदर ऐसा कुछ होगा ए टू द पावर थ्री इंटू ए टू द पावर फाइव तो थ्री प्लस फाइव कितना होगा एट होगा है ना ए टू दी पावर एट और फिर बी टू दी पावर एट इक्वल टू तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए टू दी पावर फोर बी टू दी पावर फोर है ना होल टू दी पावर टू ऐसा लिख सकते हैं हम लोग है ना फोर टू जट फोर टू ज़ा एट तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा फोर रूड और स्क्वायर कैंसिल होकर हमें मिलेगा ए टू दी पावर फोर बी टू दी पावर फोर है ना तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेयर फोर ए टू दी पावर थ्री प्लस बी टू दी पावर थ्री इंटू ए टू दी पावर फाइव प्लस बी टू दी पावर फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए टू पावर फोर बी टू पावर फोर है ना प्रूफ हो गया अभी वन का ये देखो ये भी इजी है है ना इसको भी हम लोग ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है ना इससे सॉल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था मुझे है ना तो मैंने सोचा दूसरा तरीका से कर लेते अगर आप ये तरीका से कर पाओ ना तो कर लेना ठीक है मैं दूसरा मेथड से कर रहा हूँ तो ये बढ़ाए तो पहले इसको लिखो आप ए टू दी पावर फाइव प्लस बी टू दी पावर फाइव है ना फिर माइनस फिर इसको लिखो ए बी फिर ए क्यू प्लस बी क्यू है ना तो ए टू दी पावर फाइव प्लस बी टू पावर फाइव माइनस ये हो जाएगा ए टू पावर फोर बी माइनस ए बी टू पावर फोर तो यहाँ से आप ए टू दी पावर फोर कॉमन ले लो तो ए माइनस भी मिलेगा प्लस है ना यहाँ से बी टू दी पावर फोर कॉमन ले लो आप तो क्या मिलेगा बी माइनस ए अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा है ना तो यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लो आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए टू दी पावर फोर माइनस बी टू दी पावर फोर अभी नेक्स्ट में इस, इसको एक्सपांड करो आप है ना तो इसको कैसे लिखोगे आप हाँ इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी है ना ये फोर है ना तो एक कम लिखना पड़ेगा हमें ए टू दि पावर थ्री है ना और फिर बी टू दि पावर जीरो प्लस अब ए एक का एक कम कर दो आप है ना एक कम कर दो और बी का एक बढ़ा दो आप प्लस फिर ए का एक कम कर दो आप और बी का एक बढ़ा दो तो ये जोगा ए टू दि पावर जीरो है ना एक कमा दिया और बी का एक बढ़ा दो ठीक है तो इसका फॉर्मूला ये तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे ए माइनस भी स्क्वायर और फिर ये आएगा ए क्यू प्लस बी टू की पावर जीरो तो वन होता है, है ना फिर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब है ना तो क्वेश्चन भी तो ऑलरेडी दिया है कि ए बी क्या है पॉजिटिव तो ये कम्प्लीटली क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना ठीक तो है और स्क्वायर नंबर तो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है ना यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो है है ना लेकिन ए और बी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये ज़ीरो हो जाएगा ना तो ये ज़ीरो हो गया तो कम्प्लीट जीरो हो जाएगा ठीक है तो हमें साइड में क्या लिखना पड़ेगा इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी है ना ए और बी इक्वल नहीं होगा तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो जीरो आ जाएगा है ना डेव अभी इसको एक्सपांड करने पे हमें ये मिला है तो इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं डेव फोर ए टू द पावर फाइव प्लस बी टू दि पावर फाइव माइनस ए बी फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन जीरो फोर ए टू दावर फाइव प्लस बी टी दर फाइव ग्रेटर देन इसको राइट साइड में लेके जाओ आप है ना ऐसा करके तो हमने शायद फाइव पॉइंट टू में भी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू में भी है ना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने है ना फिर भी अगर आप इस वाला रिलेशनशिप से अगर क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाओ तो कर लेना है ना मैं थोड़ा दो तीन मिनट देखा तो ऐसा करके सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा है ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं ना और मुझे जल्दी जल्दी अपलोड भी करना है ठीक है इस क्वेश्चन को तो क्या बोलो बहुत ही ज़्यादा ईजी है है न सिंस एरिथमेटिक मीन कर देते हैं इक्वल टू जेमेट्रिक मीन फोर है ना एक कम करते ये जो कितना सारा टर्म्स है यहाँ पे एक है ना दो तीन चार पाँच छः है ना छः टर्म को एक साथ लेते हैं हम लोग है ना तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी है ना प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर है ना यहाँ पे कितना सारा टर्म है छः टर्म है तो छः टर्म को एट करके हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा छः से डिवाइड करना पड़ेगा है ना सिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो एरक मीन होगा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू फिर रूट लिख के है ना और रूट के अंदर कितना होना पड़ेगा सिक्स होना पड़ेगा है ना छः टर्म है तो रूट के अंदर कितना होना पड़ेगा सिक्स होना पड़ेगा और आप लोग को पता है कि नहीं ये रूट मतलब जनरली ये रूट मतलब इसके अंदर टू है है ना हम लोग नहीं लिखते लेकिन यहाँ पे क्या है टू है ठीक है तो सिमिलर यहाँ पे अगर छः टर्म है तो रूट के अंदर हमें छः लिखना पड़ेगा सिक्स लिखना पड़ेगा और ये सारा टर्म्स को हमें लिखना पड़ेगा है ना तो ए स्क्वायर बी इंटू फिर ए बी स्क्वायर है ना फिर इंटू बी स्क्वायर सी फिर लिखना पड़ेगा बी सी स्क्वायर है ना फिर लिखना पड़ेगा सी स्क्वायर ए और सी ए स्क्वायर है न तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर है ना इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर तो ये हो जाएगा सिक्स है ना इनटू फिर ये रूट है ना रूट के अंदर सिक्स है भूलना मत इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं है ना यहाँ पर रूट के अंदर सिक्स है तो ए टू दावर यहाँ पर कितना है टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना तो बी टू थी पावर भी सिक्स होगा और सी टू थी पावर भी सिक्स होगा है ना अभी नेक्स्ट में कैसा होगा अभी यहाँ से आप ए बी कॉमन ले लो है ना तो ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बी बचेगा प्लस यहाँ से बी सी कॉमन ले लो आप तो यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा प्लस यहाँ से सी ए कॉमन ले लो आप तो यहाँ पे सी बचेगा और यहाँ पे ए बचेगा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू है ना अभी ध्यान से देखो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं है ना? तो ये होगा सिक्स ठीक है और फिर रूट रूट के अंदर सिक्स ठीक है तो ये हो जाएगा ए बी सी टू द पावर सिक्स है ना तो नेक्स्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग सिक्स है ना ए सी टू दावर सिक्स है ना और ये रूट का अगर हम लोग हटा देंगे है ना अगर इस इस रूट को अगर हम लोग ने क्या हटा दिया ना तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा वन बाई सिक्स लिखना पड़ेगा है ना ये आपको आता है कि नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूट एक्स है और अगर अगर हम लोग रूट को नहीं लिखना चाहते तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा एक्स टू दावर वन बाई टू क्योंकि यहाँ पे क्या है टू है यहाँ पे टू होता है लेकिन हम लोग नहीं लिखते हैं ठीक तो है तो सिमलर यहाँ पे सिक्स है तो रूट को नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा वन बाई सिक्स लिखना पड़ेगा ना है ना तो ये सिक्स और ये सिक्स कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा सिक्स ए बी से मिलेगा ठीक है तो डर है ना इसके जगह में ये लिख दिया हम लोग ने और फिर राइट हैंड साइड में क्या मिला हमें सिक्स ए बी सी लेकिन क्वेश्चन पे तो ये इक्वल टू साइन नहीं है तो ये इक्वल टू साइन को हटाना पड़ेगा हमें तो यहाँ पे लिखो सिंस एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है ना इफ इफ द टर्म्स आर अनइक्वल है ना क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि ए प्लस बी बाई टू है ना अगर दो टर्म को कंसिडर किया है हमने ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी है ना लेकिन अगर अगर ए बी आपस में इक्वल नहीं है ना इफ ए नॉट इक्वल टू बी तो ये इक्वल टू साइन हट जाएगा ठीक है तो सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे ग्रे, सिर्फ ग्रेटर साइन चाहिए तो हम हमें क्या लिखना पड़ेगा एरथमेथिक मीन ग्रेटर देन जीमेटरिक मीन इफ द टर्म्स आर अनइक्वल ठीक है तो यहाँ से आप इक्वल टू साइन हटा दो यहाँ से आप इक्वल टू साइन हटा दो है ना और यहाँ से इक्वल टू साइन हटा दो तो हमें आंसर मिल गया है, है ना तो ये प्रूफ ठीक है तो जब भी आपको इक्वल टू साइन हटाना है तो ऐसा करके लिख सकते हो आप है ना राइट साइड में इफ द टर्म्स आर अनवल अगर टर्म्स अन इक्वल है तो यहाँ से इक्वल टू साइन हट जाएगा ओके एक्चुअली आप खुद से भी चेक कर सकते हो है ना एरित मीन क्या होता है ए प्लस बी बाई टू है ना फिर ज्योमेट्रिक मीन कैसा होता है जीमेट्रिक मीन कैसा होता है रूट ए बी है ना अब हम लोग क्या मानते हैं ये जो ए बी है आपस में इक्वल है है ना ए इक्वल टू बी है ना इक्वल टू के मान लेते हैं यानी कि ए और बी आपस में इक्वल है और उसका वैल्यू कितना है के तो ए के जगह में हमें के लिखना पड़ेगा बी के जगह में भी के लिखना पड़ेगा बाई टू तो ये हो जाएगा टू तो के बाई टू तो टू टू कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा के मिलेगा यानी कि ए मीन कितना मिला हमें के मिला सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन निकलते हम लोग ए की जगह में के लिखेंगे बी की जगह में भी के लिखेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या मिलेगा के मिलेगा ठीक है तो अगर ए और बी आपस में इक्वल हो गया तो एरित मीन और जेमेटरिक मीन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे क्या आता है ग्रेटर देन इक्वल टू आता है ठीक है लेकिन अगर ए और बी इक्वल नहीं हुआ है ना तो ये इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा हट जाएगा ठीक है अगर ए और बी इक्वल आपस में इक्वल नहीं है तो ये इक्वल टू साइन भी क्या हो जाएगा हट जाएगा तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर हमें इक्वल टू साइन हटाना है तो राइट साइड में हमें ब्रेकेट में क्या लिखना पड़ेगा इफ द टर्म्स आर अन इक्वल है ना समझ में आ गया ना आपको अभी वन का जी देखो है ना सिंस एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू डेमेट्रिक मीन है ना तो यहाँ पे तो इक्वल टू साइन नहीं है तो यहाँ से इक्वल टू साइन हटाना है हमें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ द टर्म्स आर अनिक्वल है ना अगर टर्म्स अनिक्वल होगा तो यहाँ से इक्वल टू साइन हट जाएगा ठीक है देफोर अभी ये थ्री टर्म्स को थ्री टर्म्स का जो एरेथमेटिक मीन है इसके ले लो आप ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए थ्री टर्म्स है तो थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा आपको है ना ग्रेटर देन फिर रूट है ना जियोमेट्रिक मीन को कैसे लिखोगे आप रूट और यहाँ पे कितना सारा टर्म्स है थ्री टर्म्स है तो रूट के अंदर थ्री होगा है ना फिर ए स्क्वायर बी फिर बी स्क्वायर सी और फिर सी स्क्वायर ए एक कम करो ये जो थ्री है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो है ना सिमिलरली अभी ये थ्री टर्म्स को ले लो आप तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाय थ्री तो ये नीचे का थ्री आप डायरेक्टली इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप है ना फिर रूट रूट के अंदर क्या होगा थ्री होगा क्योंकि थ्री टर्म्स है तो ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है ना तो इसको वन मानो आप और इसको टू मानो अभी क्या करना है हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप नाउ फ्रॉम वन एंड टू वी गेट तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए फिर इसको लिखो आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन थ्री थ्री सा कितना होगा नाइन होगा है ना फिर इसको लिखो आप रूट के अंदर थ्री है और फिर ये कितना है ए क्यूब बी क्यूब और फिर सी क्यूब फिर रूट के अंदर कितना है थ्री है और फिर ए क्यूब बी क्यूब और फिर सी क्यूब अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग नाइन है ना फिर ये एक ए बी सी टू दावर थ्री है ना ए बी सी टू दावर थ्री हॉल टू पावर थ्री है ना इसको शायद थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा मुझे है ना कहाँ पे लिखूँ जगह ही तो नहीं हो रहा है ना इसको समझने की कोशिश करो आप है ना मैं लिखूँगा नाइन है ना फिर ए बी सी टू द पावर थ्री है ना होल टू पावर थ्री आ जाएगा ना अभी ये थ्री ऊपर चला जाएगा तो कैसे मिलेगा हमें वन बाई थ्री मिलेगा है, है ना क्योंकि ये रूट एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्स टू दावर वन बाई टू क्योंकि यहाँ पे टू है है ना यहाँ पे टू होता है लेकिन हम लोग नहीं लिखते हैं सिमिलरली यहाँ पे कितना है थ्री है ना तो इसको रूट को हटाएंगे तो हम लोग ऊपर क्या लिखना पड़ेगा वन बाई थ्री है ना सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है ए बी सी है ए बी सी है ना ऑल टू द पावर थ्री और इस रूट का अगर हम लोग हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा वन बाई थ्री तो ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा नाइन फिर ए बी सी इंटू ए बी सी क्या मिलेगा हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर ठीक है डेटफोर इसको लिख दो आप ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है ना ग्रेटर देन इसको लिखो आप नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो ना तो सीधा आप इसको लिख सकते हो है ना अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो मैथ्स में तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो क्योंकि ये हॉल टू तो दी पावर थ्री आ जाएगा ये थ्री और ये वन बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा ये हॉल टू तो द पावर थ्री और ये वन बाई थ्री तो थ्री थ्री कैंसिल हो गया फिर ए बी सी इंटू ए बी सी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना तो थोड़ा सा भी अगर आपको मैथ्स आता है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो है ना इतना सारा करने का जरूरत नहीं तो जस आपको एक्सप्लेन किया था है ना तो प्रूफ हो गया है ना वन का एज देखो है ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सिंस एरिथमेथिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जोमेट्रिक मीन है ना? तो यहाँ से हमें थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल रहा है ना देखो आप पहले ये दो टर्म को ले लो आप तो क्या मिलेगा आपको ए टू द पावर फोर प्लस बी टू पावर फोर है ना डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फिर ये दो टर्म को ले लो आप ए टू द पावर फोर इन टू बी टू द पावर फोर है ना तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए टू द पावर टू बी टू दी पावर टू है ना हॉल टू पावर टू तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना तो हम लोग सही कर रहे हैं है ना तो राइट right साइड में आपको ये मिलेगा ओके okay? तो ये लिखने का जरूरत नहीं मैं जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको है ना तो सिमिलरली एक काम करो इस टू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो तो आप है ना सिमिलरली अभी ये दो टर्म को ले लो आप बी टू दी पावर फोर प्लस सी टू दी पावर फोर ग्रेटर देन इक्वल टू है ना टू फिर रूट फिर बी टू दावर फोर इंटू सी टू द पावर फोर एंड है ना अभी ये दो टर्म को ले लो आप ए टू द पावर फोर प्लस सी टू द पावर फोर ग्रेटर देन इक्वल टू टू फिर रूट ए टू द पावर फोर इंटू सी डी दर फोर अभी इसको आप वन मानो है ना इसको टू मानो और इसको थ्री मानो है न अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट में है ना स्कॉप एड कर दो है ना लेफ्ट एंड साइड को एड कर दो आप क्योंकि राइट एंड साइड में भी प्लस है ना तो एड कर दो आप तो नाउ एडिंग इनिक्वलिटीज वन टू एंड थ्री वी गेट है ना तो ये हो जाएगा ए टू द पावर फोर प्लस ए टू द पावर फोर तो टू ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर और फिर बी टू द पावर फोर तो टू बी टू द पावर फोर प्लस टू सी टू द पावर फोर ग्रेटर देन इक्वल टू है न ये सब में टू है तो टू कॉमन ले लो आप है न और फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो ए टू दावर टू बी टू द पावर टू हॉल टू दावर टू प्लस है न इसको भी ऐसा करके लिख सकते हो बी टू द पावर टू सी टू द पावर टू हॉल टू दावर टू प्लस फिर रूट फिर ये ए टू द पावर टू फिर सी डि पावर टू टू द पावर टू ठीक है तो यहाँ या, या, ये सबसे टू कॉमन ले लोगे ना आप तो ले लो टू कॉमन ले लो आप तो ए टू द पावर फोर प्लस बी टू दावर फोर प्लस सी टू दावर फोर ग्रेटर देन इक्वल टू टू ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना ये टू टू कैंसिल हो गया तो हमें यही तो प्रूव करना था है ना मिल गया ना हमें तो प्रूफ लिख दो आप अभी क्वेश्चन नंबर टू को देखो ये भी इजी है है तो सिंस एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जेमेट्रिक मीन अभी एक काम करो ये दोनों टर्म को ले लो आप पहले ठीक है दे फोर ए बी बाई सी प्लस बी सी बाई है ना हमने दो टर्म्स लिया है तो टू से डिवाइड करने पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू फिर रूट फिर ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन है ना ए बी बाई सी ठीक है इन टू बी सी बाई ए ओके तो एक काम करो आप इस टू को है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो आप ओके okay? तो यहाँ से देखो आप ये ए और ये कैंसिल हो गया सी और सी कैंसिल हो गया तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा है ना सिमिलरली ये दो टर्म को ले लो आप फिर है ना बी सी बाई ए प्लस सी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो नीचे का टू है इधर लिख दो आप है ना फिर रूट फिर ये दो टर्म को लिखो आप बी सी बाई ए फिर सी ए आई बाई बी तो बी बी कैंसिल हो गया ए कैंसिल हो गया तो अंदर सिर्फ सी स्क्वर बचेगा एंड अभी ये दोनों टर्म को ले लो आप है ना फर्स्ट और थर्ड को तो ए बी बाई सी प्लस सी ए बाई बी है ना ये टू को इधर ये जो नीचे का टू है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर आप फिर रूट लिखो फिर ए बी बाई सी और फिर सी ए बाई बी तो बी बी कैंसिल हो गया सी सी कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वाय बचेगा है ना नाउ uh, एक कम करो इसको आप वन मान लो इसको आप टू मान लो और इसको आप थ्री मान लो और अभी इन तीनों को ऐड करो आप है ना नाउ एडिंग इनिक्वलिटिस वन टू एंड थ्री है ना, वी गेट तो ए बी बाई सी और कहाँ पे ए बी बाई सी यहाँ पे, तो हमें दो मिलेगा है ना प्लस और ये बी सी बाई ए और बी सी बाई ए ये भी दो है तो टू बी सी बाई ए प्लस है ना, ये भी दो है टू सी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू है ना ये कितना ये टू बी है है ना और ये टू सी है क्योंकि अंदर सिर्फ बी स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया सिर्फ बी मिलेगा यहाँ पे सिर्फ सी मिलेगा और यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए मिलेगा है ना तो यहाँ से टू कॉमन ले लो आप तो ए बी बाई सी प्लस बी सी बाई ए प्लस सी ए बाई बी ग्रेटर दैन इक्वल टू टू कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा ए बी सी है ना तो टू टू को कैंसिल कर दो आप तो यही तो चाहिए था हमें यही तो शो करना था है ना तो यहाँ पे आप शो लिख दो अभी क्वेश्चन नंबर थ्री देखो ये भी इजी है है ना सिंस एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जोमेट्रिक मीन है ना लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन तो नहीं है तो यहाँ से हमें इक्वल टू साइन हटाना है तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा इफ़ द टर्म्स आर अनइक्वल है ना टर्म्स अनइक्वल होगा तभी ऐसा लिख पाते हैं हम लोग है ना डेट अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए पी है ना तो एक काम करो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाय टू ग्रेटर देन रूट फ्यूरी ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर है ना तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल होकर सिर्फ ए पी मिलेगा हमें है, है ना तो सही है तो एक काम करो इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो आप है ना यहाँ पे लिख दो और इसको वन मानो आप सिमिलरली अभी क्या लेना हमें बी स्क्वायर क्यू स्क्यर है ना बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना ये नीचे का टू इधर चला जाएगा रूट फिर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसको आप टू मानो और फिर एंड अभी सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो नीचे का टू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो इधर आएगा रूट सी स्क्वायर आर स्क्वायर है ना इसको थ्री मानो आप अभी नाउ एडिंग इन इक्वालिटीज वन टू एंड थ्री वी गेट है ना अभी क्या करना है हमें ये लेफ्ट हैंड साइड का आप ऐड करो है ना तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस है ना पी स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन है ना ये क्या मिलेगा टू ए पी है ना क्योंकि स्क्वायर है ना तो रूट कैंसिल होकर सिर्फ ए पी बचेगा प्लस टू बी क्यू प्लस टू सी आर ओके तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है वन है प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है वन है है ना फिर लेस देन यहाँ से अब टू कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर तो ये हो जाएगा टू है ना फिर लेस देन टू फिर ए पी प्लस बी क्यू प्लस फिर सी आर ये टू और ये टू कैंसिल करो आप तो यहाँ पे कितना बचेगा वन बचेगा ना है ना तो इसको आप इधर लिखो ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर है ना फिर लेस देन वन ये प्रूव करना था हमें तो यहाँ पे शोर लिख दो आप सब क्वेश्चन ईजी है है ना भी क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं ठीक है तो इसको कैसे करेंगे पहले इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं ठीक है ए प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी ग्रेटर देन सिक्स है ना इसका एल्सियम कितना होगा ए बी सी होगा है ना इसका एलसीम अभी यहाँ पे सिर्फ सी है तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट और यहाँ पे ए है, है ना तो बी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे b है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट ए सी इंटू सी प्लस ए ग्रेटर देन सिक्स अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इधर है ना और इसको भी मल्टीप्लाई करो आप तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी ग्रेटर देन सिक्स है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर ए बी से आएगा है ना अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो आप है ना इसको लिखो आप पहले ए स्क्वायर बी प्लस फिर इसको लिखो है ना बी सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया है ना अभी बी स्क्वायर को ले लो आप बी स्क्वायर सी प्लस इसको ले लो आप है ना सी ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर भी खत्म अभी सी स्क्वायर को ले लो आप सी स्क्वायर ए है ना प्लस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन सिक्स ए बी सी है ना अभी है ना अभी ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ठीक है नाउ सिंस ए एम ग्रेटर देन जी एम है ना यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है ना म्यूचुअली अनईक्वल देफोर अब भी पहले ये दो टर्म को लेते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू है ना और ग्रेटर देन फिर क्या आएगा यहाँ पे रूट फिर ये दो टर्म को लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर बी इंटू बी सी स्क्वायर ठीक है आप एक काम करो इस टू को काट के यहाँ पे लिख दो सीधा है ना सिमिलरली अभी नेक्स्ट में क्या करो आप ये दो टर्म को ले लो आप तो बी स्क्वायर सी प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन है ना ये नीचे का टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा फिर रूट है ना फिर ये दो टर्म को लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर सी डॉट सी ए स्क्वायर एंड अभी ये दो टर्म को ले लो आप है ना सी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर ये जो नीचे का टू ए ये तो इधर आ जाएगा है ना फिर रूट फिर सी स्क्वायर ए डॉट ए बी स्क्वायर ओके इसको आप वन मानो इसको आप टू मानो और फिर इसको थ्री मानो आपको नीचे करना है मैं इधर कर रहा हूं ठीक है नाउ हेडिंग वन टू थ्री वी गेट है ना अब ये तीनों इनिक्लेट को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस है ना पहले इसको लिखो आप ए स्क्वायर बी प्लस फिर बी सी स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर सी प्लस सी ए स्क्वायर है ना फिर ये सी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन है ना अभी राइट हैंड साइड में ये है है ना राइट हैंड साइड का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू अभी ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना आपको कुछ ऐसा मिलेगा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो सबके ऊपर रूट है तो सब बाहर आ जाएगा ना तो आपको क्या मिलेगा ए बी सी मिलेगा है ना सिमिलरली ये भी ऐसा मिलेगा आपको टू ए बी सी मिलेगा है ना और ये वाला भी टू ए बी सी मिलेगा आपको अब इसको लिखो है ना ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर है ना? ग्रेटर देन सिक्स ए बी सी अभी ध्यान से देखो है ना? इसको एक्सपांड करने पर हमें ये मिला है कि नहीं है ना इसको एक्सपांड करने पे हमें ये मिला ना तो इसके जगह में हम लोग वापस इसको लिख सकते हैं राइट इसको एक्सपांड करने पे हमें ये मिला है तो इसके जगह में हम लोग वापस इसको लिख सकते हैं ना तो डेयर फोर इसके जगह में हम लोग इसको लिखेंगे ठीक है ए प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी ग्रेटर देन सिक्स ठीक है प्रूफ अभी फोर का ड्यू टू देखो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है ना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग पहले इसको लिखो क्योंकि ये बड़ा है ना तो ए प्लस बी प्लस सी हॉल स्क्वायर फिर माइनस देगी इसको लिखो आप थ्री इन टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना तो आप लोग भी सोच रहे होंगे है न कि कभी ए एम जी एम से करते हैं हम लोग है ना और कभी ऐसा कर रहे हैं? तो पता पता कैसे चलेगा कि कब किसको करना है ना कौन सा मेथड कब यूज़ करना है तो देखो यार अगर पहले आप इसको ट्राई करने की कोशिश करो है ना इससे करने की कोशिश करो अगर इससे नहीं होता है तो फिर इससे करो आप है ना मैंने भी इससे ट्राई किया था तो पता नहीं चल रहा था कैसे करना है ठीक फिर मैंने सोचा यार इसी से कर लेते हैं ठीक है तो पहले इसको करने की कोशिश करो आप अगर ऐसा नहीं होता इससे तो इससे करो ओके तो इसको एक्सपेंड करो इसको एक्सपेंड करने पे क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ठीक है तो इसका फॉर्मूला है एक्सपांड करने पे ये मिलेगा फिर माइनस ये थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी फिर माइनस थ्री सी ओके अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी तो क्या मिलेगा माइनस ए बी मिलेगा है ना प्लस टू बी सी फिर माइनस थ्री बी सी क्या मिलेगा माइनस बी सी और फिर प्लस टू ए सी ए और फिर माइनस थ्री सी ए क्या मिलेगा माइनस सी एके अभी ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व किया हम लोग ने है ना इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग हाफ है ना और फिर टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी फिर माइनस टू सी है ना ये सब में से आप टू कॉमन ले लो है ना तो टू और टू कट जाएगा तो वापस आपको ये मिलेगा राइट तो अभी नेक्स्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं है ना माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर अरे रे रे, रे यहाँ पे ए होगा है ना माइनस टू ए बी और यहाँ पे होगा बी स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर फिर आएगा यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर है ना? तो अभी इसको आप कैसे लिख पाओगे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है क्वेश्चन पे ऑलरेडी बोला है कि ए और बी और बी और सी और सी ए आपस में इक्वल नहीं तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है ठीक है तो ये हमेशा जीरो से क्या होगा बड़ा होगा है ना क्योंकि स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है ना ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो आपको जो कंप्लीट नंबर मिलेगा वो जीरो से बड़ा मिलेगा ठीक है देयरफॉर अभी इसको एक्सपेंड करने पे हमें ये मिला ना तो इसके जगह में हम लोग वापस इसको लिख सकते हैं राइट देयरफॉर फोर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन जीरो दे ए प्लस बी प्लस सी हॉल स्क्वायर ग्रेटर देन ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा है ना ए बी प्लस बी सी प्लस एके तो प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर फोर का थ्री देखो ये भी इजी है ठीक है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सिंस ए एम ग्रेटर देन जी एम है ना क्यों ऐसा है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है ना तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है तो जब भी ए नॉट इक्वल टू बी है ना नॉट इक्वल टू सी होता है तो यहाँ से इक्वल टू साइन हट जाता है ठीक है द फोर है ना पहले ये दो टर्म का एरिथमेथिक मीन ले लो आप है ना और फिर इसका जियोमेट्रिक मीन कैसा होगा रूट फिर ये दो टर्म को लिखना है अंदर है ना ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर अब एक काम करते ये टू को है ना इधर लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा लाइन बच जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना ग्रेटर देन टू ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना ये तो टू ए बी है ना तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस ए बी ऐसा करके लिख सकते हैं ना टू ए बी को तो एक काम करो एक ए बी को आप लेफ्ट लेफ्ट साइड में लेके जाओ है ना ये जो ए बी है इसको इधर लेके आओ आप लेफ्ट साइड में तो माइनस ए बी हो जाएगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस ए बी है ना ग्रेटर देन ए बी आपको समझ में आएगा ना ये वाला माइनस ए भी उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस ए बी है ना ए बी प्लस ए भी क्या मिलेगा आपको टू ए बी ठीक है ऐसा क्यों किया हम लोग ने अभी आपको समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट में क्या करो आप है ना दोनों साइड ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो आप इधर भी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो आप और इधर भी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो ठीक है तो अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा ए क्यूब है ना फिर बी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर फिर माइनस ये होगा ए स्क्वायर बी है ना अभी सबको बी से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी इंटू ए प्लस बी अभी ध्यान से देखो ये प्लस ए बी स्क्वायर है ना, और ये माइनस ए बी स्क्वायर है यह प्लस ए स्क्वायर बी है और ये माइनस ए स्क्वायर भी है तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए बी इंटू ए प्लस बी है ना इसको आप वन मानो और फिर लिखो सिमिलरली सिमिलरली है ना आपको क्या मिलेगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन है ना बी सी इंटू बी प्लस सी है ना इसको देख के लिख सकते हो आप है ना बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन बी सी इंटू बी प्लस सी इसको टू मानो आप है ना? And अभी क्या करो सी क्यूब प्लस ए क्यूब ले लो तो यहाँ पे क्या मिलेगा सी ए इंटू सी प्लस ए इसको थर्ड इक्वेशन मानो आप है ना अभी क्या करना है हमें अभी हम लोग क्या करेंगे ये जो तीनों इनिक्वलिटी से इसको ऐड करेंगे हम लोग ठीक है नाउ एडिंग वन टू एंड थ्री वी गेट अभी लेफेन साइड का लेफेन साइड से ऐड करो आप तो क्या मिलेगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब क्या मिलेगा आपको टू ए क्यूब मिलेगा प्लस बी क्यूब प्लस क्या मिलेगा आपको टू बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या मिलेगा टू सी क्यूब है ना ग्रेटर देन फिर राइट right साइड में क्या है ए बी इंटू ए प्लस बी और फिर प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी और फिर प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए अभी यहाँ से टू कॉमन ले लो आप तो क्या मिलेगा टू फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन ए बी इंटू ए प्लस बी फिर बी सी इंटू बी प्लस सी फिर प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए ठीक है ये प्रूफ करना था हमें तो यहाँ पे प्रूफ लिख दो आप ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है है ना इसको भी कैसे करेंगे हम लोग सिंस ए एम ग्रेटर देन जी एम डे फोर है ना ए प्लस बी बाई टू है ना ग्रेटर देन रूट ए बी है ना एरिथमेटिक मीन कैसे निकलते है? दो टर्म को ऐड करके है ना टू से डिवाइड कर दो और जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलते है? रूट और फिर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन अभी नेक्स्ट में क्या करो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करो आप तो ये ए प्लस बी है ना स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू स्क्वायर है ना ग्रेटर देन रूट ए बी का स्क्वायर तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा ए बी मिलेगा क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं है ना मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ है ना ए प्लस बी स्क्वायर और टू का स्क्वायर कितना होगा फोर होगा है ना अभी नेक्स्ट में क्या करो इसको कैसे लिख सकते हो आप ए प्लस बी बाई फोर ग्रेटर देन ए बी बाई ए प्लस बी है ना इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि ए बी इंटू ए बी आपको क्या मिलेगा वापस ए प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा है ना ऐसा क्यों लिखा है हमने क्योंकि क्वेश्चन पर ऐसे है ना ए बी बाई ए प्लस बी है ना तो इसको आप वन मानो सिमिलरली ये ए प्लस बी है तो आप यहाँ पे क्या लिखो बी प्लस सी है ना नीचे फोर आएगा ग्रेटर देन फिर यहाँ पे आएगा बी सी बाई बी प्लस सी इसको टू मानो आप है ना एंड सी प्लस ए बाई फोर ग्रेटर देन यहाँ पे आएगा सी ए और नीचे आएगा सी प्लस ए तो ये हो गया थ्री है नाओ अब ये सबको एड करो आप नाउ एडिंग वन टू एंड थ्री वी गेट है ना इसको 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 ऐड करो आप है ना तो एक काम करते वन बाई फोर को कॉमन लेते चलो ये ऐसे लिखते हैं ना ए प्लस बी बाई फोर प्लस बी प्लस सी बाई फोर प्लस सी प्लस ए बाई फोर है ना ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आएगा ए बी बाई ए प्लस बी प्लस बी सी बाई बी प्लस सी प्लस सी ए बाई सी प्लस ए अभी यहाँ से वन बाई फोर कॉमन ले लो आप है ना वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर अभी ए प्लस ए कितना होगा टू ए है ना प्लस बी प्लस बी कितना होगा टू बी प्लस सी और सी कितना होगा टू सी ग्रेटर देन फिर इसको लिख दो आप ए बी बाई ए प्लस बी प्लस बी सी बाई बी प्लस सी प्लस सी ए बाई सी प्लस सी है ना तो अब यहाँ से टू कॉमन ले लो आप तो कैसा मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन है ना ए बी बाय ए प्लस बी प्लस बी सी बाय बी प्लस सी और फिर सी ए बाय सी प्लस ए है ना ये कितना मिलेगा आपको हाफ मिलेगा है ना तो आपको मिला कि नहीं हाफ़ है ना ए प्लस बी प्लस सी है ना हाफ़ ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन है ना ये ठीक है तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव तो बहुत ही ज़्यादा इजी है है ना अभी देखो वन माइनस ए है ना ए उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें वन माइनस ए तो लेफ़्ट साइड में क्या मिलेगा हमें बी प्लस सी है ना तो ये किसके बराबर है बी प्लस सी के बराबर है सिमिलरली अगर बी उधर चला जाएगा तो वन माइनस बी होगा है ना तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस सी तो ये किसके बराबर ए प्लस सी के बराबर है है ना और सी उधर चला जाएगा तो वन माइनस सी मिलेगा तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा ठीक है तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया सिंस ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है ना इस बार इक्वल टू साइन हमने हम लोग ने रखा है क्योंकि क्वेश्चन पे ऐसा नहीं बोला है ना ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी क्वेश्चन पे अगर ऐसा बोलता तो हम लोग इक्वल टू साइन हटा देते लेकिन क्वेश्चन पे ऐसा नहीं बोला है तो हम लोग इक्वल टू साइन को रखना पड़ेगा है ना डेर अभी पहले ये दो टर्म को लेते हैं है ना बी प्लस सी बाई टू है ना फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी सी ओके तो एक काम करो इस टू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो और इसको वन लिख दो आप है ना? सिमिलरली सिमिलरली बी प्लस सी लिया है ना तो अभी ए प्लस सी लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए सी इसको टू मानो आप है ना एंड अभी किसको लेना है ए प्लस बी को ले लो आप ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी इसको थ्री मानो आप है ना अभी तीनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है है ना नाउ फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट अब इलेवेन साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो तो बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 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 जा फोर फोर टू जा एट है ना फिर रूट बी सी फिर रूट ए सी है ना और फिर रूट ए बी डेफोर अभी बी प्लस सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते बी प्लस सी की जगह में हम लोग वन माइनस ए लिख सकते हैं है ना और सी प्लस ए की जगह में वन माइनस बी है ना और यहीं से लिख सकते हो ए प्लस बी की जगह में हम लोग वन माइनस सी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एट है ना अभी ध्यान से देखो ये रूट ए इंड ये क्या होगा रूट है ना फिर ये अंदर क्या होगा ए स्क्वायर है ना फिर ये बी स्क्वायर होगा और सी स्क्वायर तो सबके ऊपर स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा ना तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा ए बी सी मिलेगा ठीक है तो ये प्रूफ करना था हमें है ना तो प्रूफ लिख दो आप कितना इजी था है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इजी है है ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सिंस ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम डे फोर है ना ये दो टर्म को ले लो आप है ना वन प्लस ए टू पावर फोर डिवाइडेड बाई टू ये दो टर्म लिया ना हम लोग ने है ना ग्रेटर देन रूट फिर वन इन टू ए टू द पावर फोर तो नेक्स्ट में लिखेंगे हम लोग वन प्लस ए टू द पावर फोर बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू है ना हमें ये कितना मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा है ना क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर टू द पावर है ना ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया हमें सिर्फ क्या मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा है ना तो नेक्स्ट में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय वन प्लस ए टू द पावर फोर है ना ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके वापस हमें यही मिलेगा ना ठीक है तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अभी इसको ऐसा करके लिखो आप है ना पहले भी हाफ बड़ा था अभी भी हाफ बड़ा है है ना यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ए स्क्वायर बाय वन प्लस ए टू द पावर फोर का जो वैल्यू है है ना ये मैक्सिमम कितना हो सकता है हाफ हो सकता है है ना मैक्सिमम हाफ या तो हाफ से छोटा होना पड़ेगा है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू या तो हाफ होगा या तो उससे छोटा होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेर फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाई वन प्लस ए डू दावर फोर इज हाफ है ना ये तो हाफ होगा या तो उससे छोटा होगा ठीक है ये क्वेश्चन नंबर सेवन का वन देखो ये भी इजी है ठीक है तो इससे करने की कोशिश किया था तो नहीं आ रहा था है ना तो कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा यार इसको गोली मारो है ना दूसरा मेथड से करते हैं पहले इसको लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो ए डी प्लस बी सी और फिर ये ए सी प्लस बी डी है ना माइनस ये छोटा है तो पहले इसको लिख दो आप सी डी और फिर ए प्लस बी स्क्वायर अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर सी डी प्लस ए बी डी स्क्वायर फिर अभी इससे इस इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा ए बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी डी माइनस सी डी फिर इसको एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब ये होगा ए स्क्वायर सी डी प्लस ए बी डी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी डी माइनस ये होगा ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी फिर माइनस टू ए बी सी डी है ना तो ये ए स्क्वायर सी डी ए स्क्वायर सी डी हो गया है ना फिर बी स्क्वायर सी डी और बी स्क्वायर प्लस माइनस है ना तो ये कैंसिल हो गया तो ये मिला है ना तो यहाँ से देखो ए बी कॉमोन ले सकते ए बी ए बी ए बी तो ए बी कॉमोन ले लो तो पहले इसको लिख दो आप सी स्क्वायर फिर बी स्क्र फिर माइनस टू फिर सी डी लिख दो आप तो ये तो फार्मूला में आ गया है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ये हो जाएगा सी माइनस डी स्क्वायर है ना यही ना फॉर्मूला है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू सी डी अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन पे तो ऑलरेडी बोला है कि ये ए भी क्या है पॉजिटिव है तो हमें ये पॉजिटिव मिलेगा और स्क्वायर नंबर तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है ठीक है तो हम लोग इसको ग्रेटर देन ज़ीरो लिख सकते हैं लेकिन चांस अगर सी और डी इक्वल हो गया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा है ना अगर सी और डी इक्वल हो गया तो ये जीरो हो जाएगा जीरो इंटू जीरो जीरो मिलेगा ना तो हमें यहाँ पे इक्वल टू भी देना चाहिए ठीक है डे अभी इसको एक्सपांड करने पे हमें ये मिला ना तो इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी फिर ए सी प्लस बी डी माइनस सी डी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर ए डी प्लस बी सी ए सी प्लस बी डी ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको है ना तो इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो है ना एक दो मिनट देने के बाद अगर नहीं हो रहा तो फिर इस मेथड से कर लो इससे आएगा ठीक है ये क्वेश्चन भी इजी है बहुत ही ज़्यादा ठीक है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सिंस एरिथमेथिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जोमेट्रिक मीन डेर फोर है ना ये फोर टर्म्स को ले लो आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना फोर टर्म्स है तो फोर से डिवाइड करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू फिर रूट है ना ये फोर टर्म्स को लिखना पड़ेगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी और फोर टर्म्स है तो रूट के अंदर क्या आएगा फोर आएगा है ना इसको भूलना मत है सिमिलरली अभी ये फोर टर्म्स को ले लिया अभी ये फोर टर्म्स को ले लो आप वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी प्लस वन बाय डी है ना फोर से डिवाइड करो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट लिख के है ना वन बाय ए इंटू वन बी इंटू वन बाई सी इंटू वन बाई डी और यहाँ पे फोर आएगा इसको आप वन मानो और इसको आप टू मानो ठीक है अभी क्या करना है हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना तो ऐसा लिखो नाउ फ्रॉम वन एंड टू वी गेट तो मल्टीप्लाई करो आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना बाई फोर ठीक है इन टू फिर वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई डी है ना बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू है ना इसको कैसे लिख सकते हो आप ए बी सी डी टू द पावर वन बाई फोर है ना क्योंकि अगर रूट एक्स है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्स टू दावर वन बाई टू ना यहाँ पे एक्चुअली टू होता है हम लोग नहीं लिखते ठीक है थीके? अगर ऐसा हो गया वाई है ना फिर रूट यहाँ पे थ्री है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग वाई टू द पावर वन बाई ठीक है तो सिमिलरली है ना यहाँ पे रूट के अंदर फोर है तो ऊपर क्या आएगा वन बाई फोर आएगा सिमिलरली ये वन है ना और नीचे क्या है ए बी सी डी टू दी पावर क्या आएगा वन बाई फोर आएगा तो नेक्स्ट में नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना फिर ये होगा वन बाय ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाय डी ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू ये फोर फोर जो कितना होगा सिक्सटीन सिक्सटीन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो आप अभी ध्यान से देखो ये दोनों के ऊपर पावर सेम है ना तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी डी इंटू है ना इंटू वन बाय ए बी सी डी और दोनों के ऊपर सेम पावर है तो यहाँ पे ऐसा लिख दो अब अभी ये और ये कैंसिल हो गया ना ठीक है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेयर फोर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू वन ए प्लस वन बी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटीन है ना वन के ऊपर कुछ भी पावर हो वन ही मिलेगा तो वन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन गया तो हमें यही प्रूव करना था सब क्वेश्चंस इजी है ना जस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है ना हमें ये दिया गया है हमें इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है तो आइडिया कहाँ से लेना है देखो यहाँ पे एक्स इंटू वाई है कि नहीं ठीक है तो हमें ये दो टर्म का ए एम और जी एम लेना है ठीक है तो सिंस ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम डे फोर ये एक्स वाई ये दो टर्म को ले लो आप है ना टू से डिवाइड करना है फिर रूट एक्स वाई है ना अभी एक्स प्लस वाई का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया है कितना है थ्री है है ना यहाँ पे देखो ना एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है थ्री तो एक्स प्लस वाई की जगह में थ्री लिखो नीचे टू है ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक्स वाई रूट एक्स वाई है ना अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा नाइन बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई अभी यहाँ पे क्या है एट एक्स वाई है तो दोनों तरफ आप एट से मल्टीप्लाई करो है ना इधर भी एट से मल्टीप्लाई करो और इधर भी एट से मल्टीप्लाई करो आप तो क्या मिलेगा फोर टू ज़ा एट तो नाइन टू ज़ा कितना होगा एट्टीन ग्रेटर देन इक्वल टू एट एक्स वाई इसको आप ऐसा करके लिखो एट एक्स वाई है ना लेस देन इक्वल टू एटीन है ना पहले भी एटीन बड़ा था अभी भी एटीन बड़ा है यानी कि जो एट एक्स वाई का है ना मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है एटीन हो सकता है है ना 18 या तो उसका छोटा आपको समझ में आ रहा है ना इसका मतलब क्या है एट एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एटीन इसका मतलब क्या है एट एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू एटीन होगा या तो उससे छोटा होगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेफोर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एट एक्स वाई क्योंकि एटीन से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है है ना सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है ना ईजी है हमें ये दिया गया हम ये है हमें ये निकालना है ठीक है तो इसको कैसे करेंगे सिंस ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है ना? डे फोर है ना इस बार भी हमें एक्स वाई लेना है तो यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई तो अभी इसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकलते हैं ना? तो एक कम करो ये क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू टू फोर थ्री इंटू फोर ये फोर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी उधर चला जाएगा और ये थ्री नीचे आ जाएगा ना तो थ्री एट जो ट्वेंटी फोर थ्री वन जी तो यहाँ पे कितना मिलेगा एट्टी वन है ना? तो एक्स वाई के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं एट्टी वन इंटू फोर तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ये टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप है ना और एट्टी वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं नाइन स्क्वायर तो नाइन बाहर आ जाएगा और फोर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं टू स्क्वायर तो टू बाहर आ जाएगा ठीक है अभी यहाँ पे नाइन एक्स प्लस नाइन नाइन वाई है ना तो नाइन से मल्टीप्लाई करो आप दोनों साइड इधर भी नाइन से मल्टीप्लाई करो और इधर भी नाइन से मल्टीप्लाई करो आप है ना टू इंटू नाइन इंटू टू इंटू नाइन या ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो आप है ना टू टू जर फोर फोर नाइन जीव थर्टी सिक्स ठीक है तो अभी इधर नाइन से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी नाइन से मल्टीप्लाई करो आप तो हमें क्या मिला नाइन एक्स प्लस नाइन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन सिक्स 54 फिफ़्टी फोर है ना फाइव कैरी, नाइन थ्री 27 ट्वेंटी सेवन एंड फाइव कितना होगा थर्टी टू ठीक है तो नाइन एक्स प्लस नाइन वाई का वैल्यू है ना सबसे कम वैल्यू कितना होगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर उसका लीस्ट वैल्यू है, है ना क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया गया है ना नाइन एक्स प्लस नाइन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर ठीक है नाइन एक्स प्लस नाइन वाई का वैल्यू या तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया ना तो यहाँ पे लिख दो डे फोर द लीस्ट वैल्यू ऑफ नाइन एक्स प्लस नाइन वाई इज थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर है ना इसका वैल्यू या तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर होगा या तो इससे बड़ा होगा तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू हो गया है ना